अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसी वक्त खत्म हो जाती है जब आप द्वेष की भाषा बोलना बोलते हो। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जो संरक्षक है संविधान का, वो अपनी भूमिका नहीं निभाना चाहता और 8 साल बाद वो सर्वोच्च न्यायालय सरकार से पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो सरकार भी मनोमन ये सोच रही होगी कि भाई आप क्या कर रहे हो। तो ये आप क्या कर रहे हो इस पूरे इसमें हो ये रहा है मनोरमा जी, एक तरफ भारतीय समाज एक ऐसे गर्क में उसको डाला जा रहा है कि जहां आम भारतीय जो है अपने ही भारतीय भाइयों और बहनों से द्वेष करने में गौरवान्वित महसूस करे, और दूसरे तरफ इस देश का संविधान का कोई संरक्षक नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं चंदन जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो हम डिराइव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 से, और 19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और 19(2) में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। मतलब स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप गालियां बको, कुछ भी बोल देंगे ये नहीं है, तो वहां पर आपको रोकने की बात है। और उसमें जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, उसमें जिम्मेदारी का समावेश है। नहीं, उसकी सेंटेंस बहुत अच्छा है, मैं उसको एज इट इज पढ़ना चाहता हूँ। राइट टू फ्री स्पीच एंड्स व्हेन हेट स्पीच बिगिंस। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसी वक्त खत्म हो जाती है जब आप द्वेष की भाषा बोलते हो।